हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला में वित्त भवन का शिलान्यास किया। वित्त भवन के शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि वित्त विभाग सरकार का महत्वपूर्ण विभाग होता है। बहुत तरह के आयाम वित्त विभाग के साथ जुड़े हुए हैं और इससे पहले वित्त विभाग के बैठने की जगह सचिवालय में थी, लेकिन एक स्थान पर पूरा विभाग आए, इसके लिए 2 एकड़ पर 5 मंजिला वित्त भवन का निर्माण किया जाएगा। सीएम ने कहा कि करीब 75 करोड़ रुपए की लागत से करीब 2 साल बाद वित्त भवन बनकर तैयार होगा। सारा विभाग है, अभी तक सेक्रेटरीट से ही संचालन होता था, लेकिन वहाँ स्थान का भी अभाव है और जैसे जैसे व्याप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये बजट जो कभी 60-70 हज़ार करोड़ का होता था, अब वो 1.5 लाख करोड़ से ऊपर बजट हो चुका है। उसी हिसाब से उसके व्यवस्थाएं बढ़ती हैं, एम्प्लाइज भी बढ़ते हैं, आयाम भी बढ़ते हैं। तो यहाँ एक नया भवन जो बनाया जा रहा है 5 मंजिल का, 2 एकड़ के अंदर लगभग 2 साल में बनकर ये तैयार होगा और यहाँ एक अच्छी व्यवस्था, एक कंट्रोल सरकार की इस आर्थिक व्यवस्था के ऊपर बनेगा। इस विषय के साथ आपको इस भवन के बनने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश सरकार का वित्त प्रबंधन सभी प्रांतों में अव्वल है। सरकार का कोई वित्त नहीं होता, बल्कि जनता से एकत्र किया हुआ टैक्स होता है। सरकार तो केवल उसकी ट्रस्टी होती है, जनता के इस पैसे का सही वित्त प्रबंधन करना सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को पंचकुला एमसीडी सेक्टर 5 में हरियाणा के वित्त भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में ये तमाम बातें कही। और सरकार का तो एक और पहलू भी ध्यान रखने लायक है कि सरकार का वित्त, जैसे किसी व्यक्ति का अपना वित्त जो होता है वो अपना ही होता है, उसके ऊपर अधिकार उस व्यक्ति का होता है, उस परिवार का होता है, लेकिन सरकार का जो वित्त होता है, सरकार का कोई अपना वित्त नहीं होता, यानी अपना कोई अधिकार नहीं होता है, ये जनता का वित्त होता है। ये पैसा जनता से पाई पाई टैक्स के रूप में लिया जाता है, जनता की कंट्रीब्यूशन है, इसलिए हम सरकार के लोग तो उसके प्रहरी हैं, ट्रस्टी हैं। वित्त व्यवस्था का विषय कोई छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। इसमें ऑडिट भी होता है, उसमें लीकेज भी रोकनी होती है, उसमें प्लानिंग भी अच्छी बनानी होती है, उसमें रेवेन्यू भी ज्यादा आना चाहिए, उसमें खर्च भी ज्यादा होना चाहिए। सीएम ने कहा, निजी, संस्थागत या फिर सरकारी सभी संस्थाओं में वित्त प्रबंधन महत्वपूर्ण होता है। वित्त विभाग सरकार की रीढ़ की हड्डी होती है, जिसका भी वित्त प्रबंधन मजबूत होगा वही सफलता की सीढ़ी चढ़ेगा। कोरोना काल में भले ही कम राजस्व की आमदनी हुई और 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च भी हुआ, लेकिन फिर सरकार ने बेहतर वित्त प्रबंधन किया, जिसकी सराहना केंद्र सरकार ने भी की। एक प्रकार की किसी भी सरकार का जो वित्त विभाग होता है वही उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी के बजाय अगर मैं कहूं तो जैसे रक्त धमनियों में बहता है और हृदय का काम होता है, कि अगर रक्त चालू नहीं होगा तो शरीर काम नहीं करेगा। अगर किसी सरकार के काम में से या किसी भी संस्था के काम में से वित्त को निकाल दिया जाए तो क्या एक कदम आगे बढ़ना संभव है? संभव नहीं है। सीएम ने जनता का आह्वान किया कि जो व्यक्ति व संस्थान टैक्स देने में सक्षम है उन्हें आगे आना चाहिए, जो पंक्ति में खड़ा अंतिम जरूरतमंद व्यक्ति है उसे योजनाओं का लाभ अवश्य मिलना चाहिए। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज़।